ये लटक रही है जी छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरी। इस साइड से तो लोग उतार उतार कर खा चुके हैं, इसलिए मैं खा नहीं सकता। हाय हाय हाय, ये लगी हुई है एक, लेकिन ये इतनी पकी नहीं है, ये फुल पकी हुई है। ये ये मुझे उतार कर दे दो यार कमल। नहीं मेरे ख्याल ये नहीं, नहीं उतार कर दो मुझे। एजल के लिए हमें ये गिफ्ट दे रही है। एजल दिस इज फॉर यू। तो किसी को देना दे, ये बच्चों को दे दो। हाँ इनको दे देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले कर लें चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाला नया व्लॉग आपको घंटी बजाकर नोटिफिकेशन देता रहे। और आज तीसरा दिन है हमारा कुआलालंपुर में। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम लोग दो दिन कुआलालंपुर रुकेंगे, फिर आगे किसी और मलेशिया की सिटी में चले जाएंगे, लेकिन असल में हमारा एक और दिन रहने का प्लान बन गया, क्योंकि हम लोगों ने जाना था गेंटिंग हाईलैंड। वैसे तो वहाँ पहले भी हम लोग जा चुके हैं, लेकिन दूसरी दफा जाने की वजह वहाँ का थीम पार्क है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग गेंटिंग हाईलैंड गए थे तब थीम पार्क बंद था, बिला वजह में बंद था। मतलब कोई वजह भी नहीं थी, ना ही छुट्टी का दिन था, ना ही कोई मेंटेनेंस का काम था, लेकिन हमें भी समझ नहीं आई थी कि आखिरकार थीम पार्क बंद क्यों है। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि यार एक और दिन कुआलालंपुर रुकते हैं, क्योंकि हम लोग रुकने के बाद जाएंगे गेंटिंग हाईलैंड। तो फिर अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं गेंटिंग हाईलैंड जाने के लिए। 3 दिन पहले जब हम लोग आए थे तब की हालत देख लें कि अपार्टमेंट कितना खूबसूरत दिख रहा था। पहुंच गए हैं जी अपने होटल। ओ हो 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 OMG। और 3 दिन बाद की हालत मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये चेक करें जी, कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, सोफों पर कपड़े, टेबल्स पर कपड़े, किचन वाले टेबल पर कपड़े, हर जगह कपड़े ही कपड़े। दरअसल कपड़े हम लोगों ने कल रात में धोए थे, बिकॉज हम लोग जा रहे थे कि जो हमारे कपड़े गंदे हो चुके हैं उनको हम लोग धो लें और फिर सुखाने के बाद दोबारा से साफ सुथरे कपड़े अपने बैग्स में रख लें, इसलिए ये हर जगह कपड़े ही बिखरे हुए। दरअसल हमारे अपार्टमेंट में कोई गैलरी शैलरी नहीं है, इसलिए भाई डाल नहीं सकते थे, तो फिर सोचा कि अंदर ही डाल देते हैं, सुखाने तो जरूरी है ना कपड़े। वैसे बर्तन शर्तन हर चीज साफ सुथरी है, चेक कर सकते हैं, बस कपड़ों की गंध बिखरा हुआ है। जी मैडम रेडी हो आप? चले, मैडम रेडी भी है और इसने हर चीज अपनी जो कोट में इसकी मामा ने रखी थी बिखेर कर बाहर फेंक दी है। ये इसने अपनी कैप बाहर फेंक दी है, इसको पहले रखूंगा, फिर उसके बाद इसने अपना रुमाल इधर फेंक दिया, इसको उठाकर रखूंगा, फिर उसके बाद इसने अपना फीडर फेंक दिया, इसको भी उठाकर इधर रखूंगा। चलो जी अब निकलते हैं। निकले स्वीटी, आ जाओ कमल। अभी ATM से निकलवाए हैं मैंने ये खरे खरे से रिंगेट, तकरीबन 800 रिंगेट निकलवाए हैं। यार वैसे ना ये अगर आपका कार्ड इंटरनेशनली चलता हो ना, तो फिर आपको जरूरत नहीं है वहाँ से डॉलर लेकर आने की, यहाँ आकर एक्सचेंज करवाने की, बिकॉज वैसे एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा पड़ता है। और ATM के थ्रू आपको एक्सचेंज रेट ज्यादा नहीं पड़ता, बस टैक्स वगैरह कटता है, लेकिन वो एक्सचेंज रेट से कम ही होता है। बदकिस्मती के साथ आज भी बारिश शुरू हो चुकी है, कल भी बारिश होती रही है, और कल बारिश की वजह से हमारा जो 10 मिनट का सफर था वो 1.5 घंटे का बना था, और आज देखते हैं कि जो 40-45 मिनट का सफर है वो कितने घंटे का बनता है। ओके जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद गेंटिंग हाईलैंड। और यहाँ पर ना एक फेमस फार्म है स्ट्रॉबेरीज। ओए क्या है ये, कोर्ट क्यों नहीं चल रही? अब चली है, छे थोड़ा सा करना पड़ता है, फिर थोड़ा आगे करना पड़ता है, तब चलती है। मैं बता रहा था कि यहाँ का सबसे फेमस एक स्ट्रॉबेरी फार्म है, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने विजिट नहीं किया था, तो सोचा कि अभी चूंकि गेंटिंग आए हैं तो पहले इस फार्म को विजिट कर लेते हैं, बाद में जाते हैं अपने थीम पार्क की तरफ। सो फर्स्टली आई हैव टू बाय टिकट। 2 बंदों के लिए टिकट मिलती है यहाँ से 40 रिंगिट की। थैंक यू, मिल गई है जी टिकट। ओह हो, ये तो बहुत प्यारा है यार, और बहुत फेमस भी है, बिकॉज मेरे बहुत से दोस्त जो मलेशिया घूमकर जा चुके हैं वो मुझे पूछ रहे थे कि तुम स्ट्रॉबेरी फार्म घूमकर आए हो? मैंने कहा नहीं यार। कहते हैं जा यार तू भी पागल ही है, वही तो घूमने वाली जगह। मैंने फिर सोचा कि जब अगली दफा जाऊंगा तब घूम कर आऊंगा। ये लटक रही है जी छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरीज। असल में हमारे वाली इस साइड से तो लोग उतार उतार कर खा चुके हैं, थोड़ा सा टूट लगी हुई है, इसलिए मैं खा नहीं सकता बस। मैंने तो खा, लेकिन इस बंदी ने ना उतार कर एक खा लिया, एक आधी बची थी इस वाली लाइन में, वो भी इसने नहीं छोड़ी। मेरे नसीब में नहीं आई कोई। चलो आओ अपना बैग इधर भूल। बैग 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 हुए बैग भूलने लगा था यार अपना। ये
प्यारा सा फूल तोड़ूंगा यहाँ से और इस प्यारे से फूल को कवर। रुको 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 रुको, जरा सबर करो, कान पे लगाओ। क्या बात है, ओ हो हो हो। प्यारा सा फूल मेरे प्यारे से फूल के चेहरे पर, खूबसूरत लग रहा है। बल्कि अंदर जाने का भी रास्ता है यार, ये तो मुझे यहाँ आकर दिखा है। और अगर आप अंदर जाकर स्ट्रॉबेरी इस बास्केट में लेना चाहते हैं तो 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी आपको मिलेगी 8 रिंगेट की। चलना है? Yes. फिर बास्केट ले लो और चलते हैं। मुझे लगता है पैसे वगैरह बाद में ही पे करने हैं। आ जाओ, इसी बहाने ताजी ताजी स्ट्रॉबेरी जिंदगी में पहली दफा खाने को मिल जाएगी। नहीं, इजल इजल को छोड़कर ही जा रहे थे यार। इजल चलो आप गोद में नहीं लेंगे, ये जाएगी अंदर। हाँ चले जाएगी, गोद में ले लूं? ये सारे पत्ते तोड़ देगी उनके। नहीं तोड़ती, नहीं सोने, आपको नहीं पता। चलो मैं गोद में ही लेता हूँ। आ जाओ जी गोद में, आ जाओ बाबा की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ताजी ताजी स्ट्रॉबेरी खाते हैं और मजे उड़ाते हैं। आय हाय हाय, ये लगी हुई है एक, लेकिन ये इतनी पकी नहीं है, ये फुल पकी हुई है। ये ये मुझे उतार कर दे दो यार कमल। नहीं मेरे ख्याल ये नहीं, नहीं उतार कर दो मुझे, ऐसी मैंने खानी है, ऐसी नहीं खानी है। क्यों ऐसे ही खानी है? और तो इधर दो यार, सुने उन्होंने लिखा हुआ है कि डोंट ईट, डोंट ईट लिखा हुआ है कि बिला वजह खानी नहीं है। बास्केट में 100 ग्राम लें और 8 रिंगट पे करें। मेरी जान यार दे दो यार, 100 ग्राम तो हम अंदर ही खा जाएंगे, कोई मसला नहीं, तुम एक खाने को दे दो। ये कोई जरा सी हो सकता, कोई जरा सी नहीं होते, ऑर्गेनिक चीज है। मजेदार खट्टी खट्टी बड़ी मजे की है ये तो। कितने ग्राम है ये? है जी तकरीबन 180 ग्राम। तुम तो ले आई हो, 100 ग्राम करते करते 200 ग्राम के करीब पहुंच गई है। वैसे अच्छी ले ली है तो ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज़ फ्रेश फ्रेश खाने नसीब होगी। और मैंने अपनी बेटी के लिए लॉलीपॉप भी लिया है जो कि इसने फर्स्ट टाइम खाने। दिस इज फॉर यू। वाओ हैप्पी। ये क्या कर रही हो? मैं मिरर में एंजॉय कर रही हूं। मिरर? ये कौन सा मिरर है? पीछे हो ना, मैं चेक करूं। ये तो टांगों को छोटा कर देता है, बल्कि सारी हाइट को ही छोटा कर देता है। ये है असल में। ये वाला मिरर क्या करता है? ये उससे भी छोटा कर देता है। ये छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए। चलो जी अभी टैक्सी पकड़ते हैं और टैक्सी पकड़ कर हम लोग जाएंगे थीम पार्क। वैसे एंट्री सीधी सीधी है, लेकिन एग्जिट घुमा फिरा कर आपको ये मार्ट शार्ट दिखा कर, शॉपिंग की सारी चीजें दिखा कर वो बाहर निकालते हैं, ताकि बंदा जाता जाता भी कोई खरीदो फरोख्त कर ले। वैसे एक चीज ले ले। क्या ले? एग्जिट ले बस। कहाँ है एग्जिट? गलत आ गई हो तुम, घुमाती जा रही हो मुझे। वहाँ थी किसी जगह, वो देखिए एग्जिट दिखा हुआ। अच्छा एग्जिट यहाँ है, लो अभी भी चेक करो। यहाँ से हम लोग एंटर हुए और पूरा मार्ट घुमा कर वो हमें बाहर निकालने लगे हैं एग्जिट की तरफ। मतलब कि शॉपिंग करवानी करवानी है, पैसे आपसे खर्चवाने ही खर्चवाने हैं। लेट्स गो ब्रो। East Coast always in me, Commonwealth, Lil Junk, getting love from my city. I roll call for the DMV. भाई अच्छा खासा साफ सुथरा वेदर था, स्ट्रॉबेरी फार्म में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं थीम पार्क की तरफ और नजर आना बंद होता जा रहा है। बादलों में घूम रहे हैं इस वक्त तो हम। हाय 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 हाय, ठंडा ठंडा माहौल, मिठे चौल, गर्मी से निकलकर सर्दी में आ गए हैं भाई लोग। टिकट काउंटर इज क्लोज्ड, डोंट वी गेट टिकट नाउ। और के यार क्या अजीब वो गरीब किस्मत पाई है ना हम लोगों ने, बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब वैसे भी थीम पार्क का घंटा फायदा नहीं होगा। क्या हुआ इश्क कर बैठे हो? इन्ना लाला इन्ना ले राजू, दोबारा से चैटिंग आना हमारा फजूल। नहीं फजूल नहीं हुआ, स्ट्रॉबेरी फार्म बहुत मजा है। हाँ ना, ऊपर चलते हैं, मॉल घूमते हैं, कुछ खाते हैं, थीम पार्क को बाय बाय बोलते हैं। वैसे तो क्लोज नहीं होना था ये, लेकिन उन लोगों ने शायद मौसम की वजह से टिकट काउंटर ही क्लोज कर दिया यार। बारिश भी हो रही है ना। हाँ ना, और एक और अच्छी वजह थी क्योंकि मुझे खड़े होना पड़ना था एंजल के पास, तो रात एंजॉय करते। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए था ना। ये आ गया है जी अपना गर्मा गर्म मैकडोनल्ड्स साथ में कोला।
और आइसक्रीम भी आए है, आए है, मजा आने वाला। खाना शाना अभी हम लोगों ने खा लिया है और वापस आ चुके हैं मॉल में। मॉल में हमने देखा कि यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी और एंटरटेनिंग एक्टिविटीज है एक जगह पर, वहाँ रुककर अभी कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो एक्टिविटीज के लिए हमें चाहिए होगा कार्ड। मैं अभी कार्ड लेने लगा हूँ 50 रिंगिट का। अब इस मशीन में हम लोग डाल देंगे 50 रिंगिट और फिर ये मशीन शायद हमें कार्ड दे देगी लोड करने के बाद। वुड यू लाइक टू यू नो, मुझे नहीं चाहिए। इधर ओ नीचे आ गया, ये आ गया जी कार्ड। चलो आओ कमल, मौज मस्ती मारे और खेले कूदे। कौन सी गेम खेले पहले? पहले वो रिंग वाली। वो रिंग वाली कोई गिफ्ट जीतते हैं। अगर तुमने गिफ्ट ना जीता ना तो मुझे तुम करवाओगे 50,000 रिंगिट की शॉप। सही हो गया। अगर ना जीता सही हो गया। सही हो गया। सही हो गया। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये वाली गेम खेलेंगे, ठीक है जी? ओके, आई हैव टू टैप माय कार्ड फर्स्ट। ओके जी, टैप हो गया। अभी अवेलेबल बैलेंस है हमारे पास 40। वन बकेट 30 रिंगिट। 30 रिंगिट? Yeah. अच्छा, कह रहा है कि 10 रिंगिट के बस आपको 10 रिंग मिलेंगे। इट्स ओके, 10 ही बहुत है। वैसे एक भी बहुत था भाई, क्योंकि तुझे नहीं पता कि भाई का स्वैग बहुत ज्यादा है और गेम में भाई मास्टर भी बहुत बड़ा है। तुम फेंकोगी फर्स्ट? चलो फेंक। चलो जाया कर दिया। 5 तुम फेंको, 5 मैं फेंकूंगा। चलो नहीं नहीं फेंको फेंको। चलो दूसरा जी। चलो जी, ये भी जाया, ये भी जाया, ये भी जाया। 4 जाया कर दिए, 5वां बस चले जाए। ये भी जाया। टाय टाय फिश। 8 दिए थे इन लोगों ने 10 रिंगिट की। चलो मैं 10 समझ रहा था। हारो। 4 पे किए कब? यस हारो। 50,000 रिंगिट की शॉपिंग करवानी है। It's not easy. मेरे 4 तो पैसे लगे। जुलकर आगे वाले पर ट्राई करो। 8 के 8 हम लोगों ने जाया कर दिए, लेकिन फिर भी भाई एजल के लिए हमें ये गिफ्ट दे रही है। एजल, this is for you. मामा पापा आपके किसी काम के नहीं है, हमने तो 8 के 8 रिंग जाया कर दी है। अभी ये वाली गेम खेलते हैं, इसमें हम लोग जरूर कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। अब 10 रिंगिट पे करने के बाद हमें मिलेंगी 3 बॉल। तुम एक बॉल फेंकना, ट्वैगी बॉय 2 फेंकेगा। नहीं, आप 3 फेंको। मैं 3 फेंक दूँ? क्योंकि आप बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं ना। लेकिन यहाँ नहीं चलेगी। I have to tap my card first. Okay, जी tap हो गया। अभी 30 बच गया बैलेंस। चलो कवर। ओए यार, जाया कर दिया। इसमें भी हमने 3 की 3 बॉल्स जाया कर दी। अब आए हैं हम इधर बर्बाद होने के लिए। 1 बॉल ऑल डाउन। और इससे पहले जुलकर मुझे कह रहे यार कवल लेके जा नहीं पाएंगे, क्या फायदा जीतने का। कह रहे यार ये गरीब है बेचारा, जीत ही जाए। जुलकर इसने कुछ किया है, जुलकर इसने कुछ किया है, इसने कुछ किया है। झूठा विनर। इसको लेकर कैसे जाएंगे? मैं कह रहा था ना कि बताओ, इसने बटन दबाया, प्रॉमिस बटन दबाया। ओ कमल ने सारी गिरा दी है भाई, सिर्फ एक गिरा पाया। वन मोर। व्हाट अ शो। यार इसको लेकर हम लोग ट्रैवल तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वजनी है। बैगेज हमारा पहले ही पूरा है। तो किसी को दे ना दे, ये बच्चों को दे दो। हाँ इनको दे देता हूँ। Thank you. ने अपना वाला टॉय उन बच्चों को दे दिया, वो इतने खुश। और उनको देखकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी यार। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट ये टॉय मिलने पर हमें नहीं हो रही थी जितनी उन बच्चों को हो रही थी। तो बड़ा मजा आया ये वाला टॉय उनको देने के बाद। और देखा वो बंदा खड़ा होकर उसने ऐसे, और हम कहे क्यों दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? ये चलो चले मितवा वापिस अपने होटल में। बहुत हो गया, बहुत घूम लिया।
वापस हम लोग आ गए थे अपार्टमेंट में, लेकिन अभी दोबारा से जाने लगे हैं बाहिया, क्योंकि आज हमारा कुआलालंपुर में आखिरी दिन है। तो इस आखिरी दिन को हम लोग अपार्टमेंट में बैठकर जाया नहीं करना चाहते। इधर ने आते ही अपने कपड़े चेंज करते हैं और कमल ने भी आते ही अपने कपड़े चेंज कर दिए। चेंज नहीं किए तो वो मैंने नहीं किए यार। अभी दिखाना ये चाहता हूँ कि भाई ने कितनी मस्त किस्म की लोकेशन अपने होटल के लिए चूज की थी। बिकॉज जब भी बंदा ट्रैवल करने का सोचता है ना, तो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट ये होता है कि आप अपने होटल की लोकेशन अच्छी चूज कर लो। बिकॉज अगर होटल आपका मेन पॉइंट जो करीब करीब मतलब सिटी सेंटर से दूर हो ना, तो आप टैक्सी के किराए या फिर पैदल चल चल के ही पागल हो जाते हैं। तो भाई ये है हमारा होटल, वो है ट्विन टावर और ये है KLCC टावर, मतलब के मेन सिटी में। और यहाँ पर सारी चीजें आसपास हैं, ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट या फिर ऑल टाइप ऑफ मेन अट्रैक्शन, हर चीज आसपास है। द फेमस ट्विन टावर को भी आज करीब से देख ही लिया है। लास्ट टाइम आए थे लेकिन करीब से नहीं देख पाए थे, बस दूर से गुजरते गुजरते सड़क से ही देखकर हम लोग निकल जाते थे। ये तो बहुत ही प्यारा है यार, देखने के लायक है। ये चीज मेरे अजीज दो तार भी दिया है, तोड़ना नहीं है, बाबा ने पैसे लगाए इस पे। आप पहनो दोबारा से, पहनो हमारे लिए लिया है, तुमने पिक्चर बना ली है, बस तुम्हारा काम खत्म। अब बाकी इधर गए, इधर पहनो इसे, इधर 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 ईजल, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। वापिस ही आ चुका है आपका भाई अपने घर, घर नहीं यार मतलब अपना भी नहीं, हाँ मतलब समझ लो कि एक दो दिन के लिए अपना अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में वापिस आ चुके हैं। अब मारेंगे रशियस, कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।